नमस्कार, स्वागत है आपका बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी आगे की प्लानिंग क्या है और यहाँ तक के इनके सफर के बारे में ये क्या सोचते हैं। शरद यादव साहब, स्वागत है आपका जी मीडिया में। सबसे पहले तो क्योंकि आप हमारे दर्शकों से और हमसे चुनाव में जीत के बाद पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आप लोग चुनाव जीत गए, अब आगे की क्या प्लानिंग है? जो भी बातचीत अभी चली हुई तो वो पक्की और मुकम्मल नहीं है, तो मुकम्मल होगी तभी मीडिया में बताया जाएगा, लेकिन काफ़ी जगह हम सक्रिय हैं। तो अभी आप कोई पत्ते अपने खुलना नहीं चाह रहे? तो पक्का हो जाएगा तभी तो करेंगे ना, उसके पहले तो ठीक नहीं है ना। तो अगर हम बोले प्लानिंग की बात करें तो कोई प्लानिंग नहीं है अभी पार्टी के आगे के लिए फिलहाल? क्यों नहीं जी, तो क्या प्लानिंग है पार्टी की? और प्लानिंग है तो उसके बारे में जो चीज़ें मेच्योर होंगी, जो ठीक होंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, पक्की हो जाएगी, तभी बताएंगे ना। चल जाता साहब, एक जो पार्टी सिंबल है इसको लेके पार्टी में काफ़ी बात हुई कि कहीं ना कहीं पार्टी सिंबल की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ा चुनाव में, तो ये क्या पूरा मामला है और इस पर अभी आगे का क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नहीं, अभी तो हम दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सिंबल के बारे में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया। हाँ, हम चाहते ज़रूर हैं कि ये जो सिंबल है इससे नुकसान हमको बहुत हुआ है हर चुनाव में, क्योंकि तीर धनुष जो है वो उस पर बहुत वोट हमारा जाता है। तो ये पार्टी में विचार जरूर चल रहा है कि चुनाव चिन्ह को यदि संभव हो, चुनाव आयोग यदि सहमत हो जाए, तो फिर इसको बदलने का है। लेकिन जो मतलब अभी तक आपके पास क्या चुनाव जो आप लोग चाह रहे हैं वो कौन कौन से सिंबल हैं हमारे दर्शकों को? ऐसा कैसे बताया जा सकता है? अच्छा, कुछ नहीं, तो हमारी और चुनाव आयोग की सहमति से बनेगा ना। अच्छा, अपनी तरफ से उसके बारे में कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह तो आवंटन करेगा चुनाव आयोग। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ना कहीं आप लोगों की पार्टी नहीं, वो बहुत सी चीजें हैं उनको कैसे अभी कह रहे हैं, कहना है दोनों के बीच में असली अथॉरिटी तो जो है वो चुनाव आयोग है। आप लोग जो हैं वो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लोग रहे हैं, आप लोग जो हैं हमेशा से जो ग्रास रूट पे। आपकी बात सही है, लेकिन जो चुनाव का आवंटन है वो हमारी हर एक जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं वो तभी सफल होगा ना कि चुनाव आयोग के साथ बातचीत हो। तो ये एक ऐसा कानूनी बात है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग से बात करके इस पर फैसला लिया जाएगा। क्राइम की बात करते हैं शरद यादव साहब, क्राइम की बात जब होती है तो बिहार में अक्सर अलग अलग बातें कही गई। हम शायद उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो शब्द इस्तेमाल करने बिल्कुल गलत हैं, हम भी उनको सही नहीं मानते, लेकिन क्राइम आप क्या मानते हैं, बिहार में अब बढ़ा है या पहले ही ज़्यादा था? नहीं नहीं, ये सारा जो व्यवस्था है चुनाव में जो चोट सिस्टम पर लगी, व्यवस्था पर लगी, वो फिर से खड़े हो गए। और एक भी घटना, कोई भी घटना जो है वो हर सूबे में घटती है, अपराध होते हैं, अपराध पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसे सुशासन कहते हैं। वो इस मामले में अंदाज करिए कि पिछले 10-12 साल में यहाँ जो सबसे बड़ी बीमारी है जो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, वो कभी यहाँ किसी कीमत पर सर नहीं उठा पाए, न कर पाए। एक बार जरूर थोड़े एक या डेढ़ दिन के लिए कर्फ्यू लगा था पूरे देश भर में, देखिए। और यहाँ जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं से मीडिया में एक सेक्शन है जो हर एक अपराध, तो दुनिया जब तक रहेगी तब तक अपराध होंगे, अपराध पर कानून के शिकंजे में आदमी को लिया कि नहीं लिया वो सबसे ज़्यादा फास्ट यदि कोई सूबा है तो वो बिहार है और नीतीश कुमार है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शरद यादव साहब, क्राइम आपको क्या लगता है, क्राइम पहले भी इतना ही था? मतलब जो अभी बात हो रही है कि क्राइम बढ़ गया है, आप इस बात से सहमत हैं या आप कहते हैं कि पहले भी क्राइम का फिजूल की बात है, इसे क्या जवाब देना? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल झूठ, बेकार, बिल्कुल फालतू की बात है। क्या फालतू, मतलब मैं ही जानना चाह रहा हूँ। फालतू ये है कि जो आप पूछ रहे हैं वो फालतू है। मैं जानना चाह रहा हूँ शरद यादव, सीधी बात, पहले क्राइम ज्यादा था या अब बढ़ा है? नहीं, ना पहले क्राइम था ना अब क्राइम है जी, दोनों जगह नहीं है। अब कोई आदमी छोड़, कोई भी घटना प्रचार करे उसमें वो आदमी कानून के शिकंजे में आया कि नहीं आया, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ अपराध तो जो है वो सबसे कम। सारे देश भर में जो क्राइम ब्यूरो है उसका पता लगा लो,
एक्शन सबसे तेजी से यहाँ ले, एक्शन तेजी से ले, कम सबसे कम यहाँ क्राइम है, और इनके ढोल पीटने से क्या होता, ये तो चुनाव के समय ही ढोल पीटे थे, जंगल राज, जंगल राज, यानी बाबरी मस्जिद को, संविधान को, नहीं इसमें कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, नहीं नहीं कहा है लोगों ने जी, तो प्रचार ही ये था, जंगल राज, तो उसका जवाब क्या दिया यार, उस जवाब के बाद फिर से इन्होंने ये बात पकड़ी, तो थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा इनको। शरद यादव साहब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दो चुनाव आगे आ रहे हैं, तो पहला सवाल, क्या JDU RJD का गठबंधन इन दोनों प्रदेशों में भी जारी रहेगा? देखिए ऐसा है कि यहाँ जा रहा हूँ लखनऊ, और बंगाल का भी मेरा दौरा, वहाँ बातचीत करने के बाद जो लाइन या जो राजनीतिक समीकरण हैं उनके बाबत टटोलने जा रहा हूँ, पूरी तरह से गहराई से समझने जा रहा हूँ। क्या आप किसी महागठबंधन में कांग्रेस और RJD के साथ चलेंगे या नहीं? क्यों नहीं, जहाँ जरूरत होगी साथ होगा, यहाँ साथ लिए आगे लगे साथ, कोई दिक्कत उसमें नहीं, तो इसलिए अभी उसमें मैंने पहले कहा कि यदि बात पक्की और मुकम्मल हो जाएगी तो फिर वो कही जाएगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि महागठबंधन आगे भी जारी रहेगा, आप और RJD, लालू जी और आप लोग आगे साथ रहेंगे UP में और बंगाल में, वो अभी शायद कहना गलत है? नहीं, मैंने कहा कि एक सशक्त विरोध अपोजिशन वो बनाना है, और बनाने की प्रक्रिया और बनाने का काम जो है उसके लिए बिहार के चुनाव ने एक दिशा और एक राजनीतिक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को मजबूत करना है, उसके लिए चारों तरफ चर्चा लोगों से चली हुई है, वो चर्चा एक मुकाम पर पहुंचेगी तब मैं आपसे या किसी से मैं कह सकता हूं। अभी यह बहुत जल्दबाजी में आपका सवाल है। पक्की तौर पर एक सशक्त विरोध पक्ष को खड़ा करना आप लोगों हमारा मकसद है। ये जो गठबंधन हम जो विपक्ष खड़ा करने की आप बात कर रहे हैं, उसमें यही महागठबंधन रहेगा या और लोग भी? नहीं, वो बाकी बहुत सी पार्टियां हैं, यहाँ तो हमारी पुरानी पार्टी एक हुई थी, जनता दल पुराना जो है वो एक हो गया था जी, और उसके चलते नेता पीछे थे, जनता आगे थी, तो सीधा सवाल है कि अकेले यहाँ का जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता इतना ही है कि विभाजन रोको, जो आपस में लड़कर के विभाजन कर लेते हैं वोट का वो रोकना चाहिए, वो यहाँ बिहार ने दिखाया, यहाँ की जनता ने दिखाया, सिर्फ एक राजनीतिक दिशा देश के सामने है, इस दिशा में बढ़ने का काम जब तक है तो लोगों से चर्चा हो रही है, और चर्चा पक्का और मुकम्मल हो जाएगी तभी उसको हम देश के लोगों से और मीडिया से उसको हम लोग चर्चा करें बांटेंगे। उसमें आप कांग्रेस की भूमिका पे भी अभी कुछ नहीं बताएंगे, कांग्रेस होंगी नहीं होगी आपके साथ? नहीं, कांग्रेस पहले जो था वो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का बहुत यानी कांग्रेस विरोध की सबसे थोड़ी पार्टी जो थी वो हमारी थी जी, वो लोहिया जी थे, जयप्रकाश जी, मैं इसीलिए जाना चाह रहा हूँ, इसलिए आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आज तो यदि कोई ताकत और कोई शक्ति कोई है तो वो NDA है, तो NDA के जो है उससे मुकाबले के लिए लोगों को गोलबंद करना है, तो उसमें आप कांग्रेस को भी साथ रखना चाहेंगे? कांग्रेस साथ है यहाँ जी, तो आगे भी साथ रहेगी, यानी यहाँ जो है जी वो जहाँ जिस सूबे में जैसी स्थिति होगी वैसा देखेंगे जी, ये नहीं है कि लेकिन दोस्ती तो निभाएंगे ना आप यहाँ की दोस्ती आगे? नहीं नहीं, दोस्ती एक सूबा या दो सूबे में जहाँ अनुकूलता है वहाँ रहे हो रहेगी, जहाँ नहीं है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में लोग राहुल गांधी को PM देखते हैं, महागठबंधन के PM तो नीतीश कुमार है। नहीं नहीं, ये कौन सी बात अभी है जी, उनकी पार्टी है वो क्या देख रहा है, हम इस पर नहीं कहते, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग इस काम में लगे हैं जो आपने पूछा जी, लेकिन अभी देश की जरूरत जो है उसको, और जब सारा गोलबंदी हो जाएगी इसका कि किसके अगुवाई में चीजों को ले जाना। RJD और JDU का आपका जो गठबंधन है, अब लोग बार बार कयास लगाते हैं कि ये कब तक चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं नीतीश कुमार जी कंफर्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा इस पोस्चर में, ये कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा जी, हुआ ये कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा नहीं होगा, हुआ ये कह रहे थे कि एक साथ कंपेन नहीं कर रहे हैं ये लोग, हुआ जो आप पूछ रहे हो आप तो उन्हीं लोगों वही लोग पूछ रहे हैं ये, तो आपका कहने का मतलब है कि गठबंधन इनके पास कुछ बचा नहीं, अब ये बचा है, इसलिए जो
आरजेडी और जेडीयू एक ही, जो जनता दल था उसके, उस फैमिली के लोग, उस परिवार के लोग, इसलिए इनके बीच में जब युद्ध के मैदान में एकता हो गई तो सरकार के चलाने में कौन सी दिक्कत है, वो एकता कायम और मुकम्मल रहेगी। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है मतलब? ये तो अजीब सवाल, इसका क्या जवाब? नहीं, लोग इसके बारे में बात करने लगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा। गठबंधन ये है, यही रहेगा, यही रहेगा। बीजेपी के साथ वापस जाना बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। शरद यादव साहब, आरजेडी की अगर हम बात करें तो उसमें अगली पीढ़ी साफ नजर आ रही है, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, और इनको उसी तरह से प्रमोट भी किया जा रहा है कि ये अगले सेकंड इन कमांड है। हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में अभी तक सेकंड इन कमांड के आप किसको देखते हैं सेकंड इन कमांड की तरह? देखिए, आप जो आरजेडी का पूछ रहे हैं, आरजेडी की एक पार्टी अलग है, इसके बारे में कोई बात और कोई चीज मुकम्मल तौर पर वही कह सकते हैं। मैं आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी में जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 10 तक है। लेकिन कौन है सेकंड, मतलब अगर हम बोले जरूरी है कि बताओ उनका, एक का नाम कैसे ले दें? चलिए 5 का नाम ले दीजिए। 5 का भी क्यों लेंगे? तो आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते? ना, स्वाभाविक तरीके से निकलते हैं लोग, क्योंकि देखिए मांझी टेस्ट जो आपका था, आप लोगों ने मांझी जी पे इस तरह से सोचा था कि वो सेकंड इन कमांड है या वो इस तरह करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं रहा जो आप लोगों ने सोचा था। वो बात बीत गई, उस फालतू बात पे क्यों बहस करना सर? तो मांझी जी वाली जो मैं बात कर रहा था, मांझी का प्रकरण जो था जी, वो खूब छप चुका, खूब चर्चा नहीं, लेकिन आप भी तो ये मानेंगे सर कि वो हम मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी पार्टी में आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, तो एक सेकंड लाइन उम्मीदें पूरी की जाएंगी, लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं, कोई सवाल है कहीं? तो मतलब सिर्फ नीतीश जी ही रहेंगे? ये तय नहीं होता जी, ये तय नहीं होता कि क्या करना, क्या पार्टी जो है वो स्वाभाविक तरीके से आती। कोई हम लोगों को ये नहीं कहा था जयप्रकाश जी के ये देखेंगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें जनता उभारती है, जनता बनाती है, उसको कोई व्यक्ति कहे या मैं कहूँ एज ए पार्टी अध्यक्ष, तो वो ठीक नहीं है। 1,45,000 करोड़ के पैकेज की बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने जब वो बिहार चुनाव के दौरान आते थे, उस समय भी उस पर खूब हो हल्ला हुआ कि ये सिर्फ बोलने के लिए कहा जा रहा है, ये शायद होगा नहीं। अब बिहार की जनता को इंतजार है उस पैकेज का, आप लोग विपक्ष के तौर पे उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं? इंतजार हम भी कर रहे हैं, कुछ इंतजार के आगे कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे जी? तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या उसमें पहल? अब अभी जो है, अभी तो इंतजार समय तो बीता नहीं है, 2 महीने हुए ना, तो 2 महीने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना। समय जब आएगा तो याद हमको जरूर है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसको आगे? हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है। वही तो सर, अब कुछ नहीं, उसको तो जरूरी है कि बता नहीं, बिहार के कुछ तो जाएंगे सर, नहीं, बिहार के याद लेके अभी 2 महीना हुआ है जी, तो इंतजार करेंगे जो उनने घोषित किया है उसे पूरा करें, नहीं पूरा करेंगे तो पार्लियामेंट है, सड़क है, अच्छा दोनों पे घेराबंदी होगी। राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं आगे, तो अब जो सीट जो आप पे हैं वो 4 आप लोगों के पास हैं, तो अब इन 4 सीट्स में जो बंटवारा है वो बोल रहे हैं अभी काफी मुश्किल होने वाला है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो किन किन के नाम तय किए गए हैं? वो जब पार्टी की इस बात पे मीटिंग ही नहीं हुई, बात चर्चा ही नहीं हुई, तो इसको कहाँ, क्यों इसको डिस्कस? तो कुल मिला के आप कुछ भी बताएंगे नहीं सर? क्यों बताएं, जब तय ही नहीं है, तो जब तय हो जाएगा तो पता, इस बार आपने पूछा एक्शन वाला, तो जिन लोगों ने गड़बड़ किया उन पर एक्शन होगा। अच्छा, जो उन लोगों ने गड़बड़ किया है उन पर एक्शन होगा। जो ये पार्टी में जो मीटिंग हुई है जिसमें तय किया गया है, कई लोगों के खिलाफ एक्शन की बात हुई है, ये पार्टी में डिसिप्लिन आपके हमेशा से माना जाता रहा है, तो इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन किया? मैंने जो 2 केस है, एक सरफराज का है और हमारे स्टेट के राज्य के जो अध्यक्ष हैं उनको बता दिया है कि अनाउंस करो, और वहाँ जो पुलिस की रिपोर्ट आएगी, जहाँ MLA के जो हस्बैंड है वो थाने से बाहर गया है, वो जब रिपोर्ट आएगी तब एक्शन होगा उस पर। दोनों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? जरूर। अच्छा, एक बिहार सरकार के एक मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्राइम नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये सिर्फ मीडिया दिखाती है। आप इस तरह के पार्टी के, आपके एक मंत्री ने बयान दिया, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ठीक कह रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, यानी पूरे देश भर में क्राइम होता है जी, बिहार में, उत्तर भारत में जो क्राइम ब्यूरो है उसमें सबसे कम यहाँ। अच्छा है, यहाँ जो कानून का राज है, जब से नीतीश कुमार यहाँ हैं, तो कोई क्राइम होगा और उस पर एक्शन ना किया हो तो एक बताइए, एक कहीं का मुद्दा बताइए जिस पर क्राइम हुआ है और एक्शन नहीं हुआ।
तो सुशासन इसी को कहते हैं। तो लेकिन आपको नहीं लगता ये शूट दी मैसेंजर वाली बात हो गई? मीडिया तो सिर्फ बता रही है सर। मीडिया तो फैक्ट्स को रिपोर्ट कर रही है। आप गजब बात कर रहे हैं जी। मीडिया कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमको क्या बताने की जरूरत है? नहीं, लेकिन मीडिया जो बता रही है वो सब गलत है ना, क्योंकि सारी मीडिया गलत है। अरे सब थोड़ी बता रहे हैं, कुछ लोग हैं इसके लिए। नहीं, उन्होंने सारी मीडिया को बोला, उन्होंने बोला मीडिया नहीं, सारी मीडिया कोई सवाल ही नहीं। चैलेंजेस की बात करते हैं। अब सरकार बन गई और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा से एक सशक्त प्रशासक के तौर पे देखे गए हैं, उनसे उम्मीदें बहुत हैं जनता को। तो अब आप, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो रोड अहेड के बारे में क्या क्या आप बात करना चाहेंगे? भाई 2 महीने हुए हैं। नहीं नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ सर। आगे की बात, उन्होंने 7 सवाल जो है, 7 संकल्प जो है वो आपके सामने रखे हैं, वो पूरे किए जाएंगे। कई चीज़ें उसमें चल रही है, जैसे मान लो शराबबंदी है, वो तय हो गया है। इस देश की महिलाओं के बारे में जो हम उठाते थे कि सारे देश की जो जमीनी हकीकत है, दलित है, पिछड़ा है, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके महिला रिजर्वेशन दो, ये हमने कर दिया। तो 2 महीने में हमने जो 7 संकल्प किए उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा जमीन पर कैसे उतारे इसके लिए आज भी चर्चा हुई है। लेकिन चैलेंजेस हैं सर हमेशा, लोकतंत्र में कभी बिगर चुनौती के समय नहीं बीतता जी। लोकतंत्र का मतलब ही चुनौती है। देश ने इस हर समाज के सामने हर समय कोई ना कोई चुनौती खड़ी रहती है। शरदयाल साहब, केंद्र सरकार में आप पहले आप एनडीए का हिस्सा रहे हैं, अब आप एनडीए के साथ नहीं हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा कारण क्या रहा ये अलग होने का? वो तो बीत गई बात, लेकिन जो सरकार बनी है उसने देश के अंदर वादे किए हैं, करार, वादे का मतलब करार है। 5 साल में वो क्या करेंगे? एक बड़ा करार तो उनका ये कि 2 करोड़ लोगों को हर बरस पर रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब है जो दिहाड़ी है और जो इंतजाम करने वाले पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन सब के रोजगार की बात है। आज तक उसमें कुछ नहीं है। हर खेत को पानी देंगे, कहाँ योजना है? उन्होंने कहा था कि हम महंगाई घटाएंगे, ऐसी महंगाई तो कभी देखी नहीं। दाल इतनी महंगी धरती में कहीं नहीं बिकी, इस देश के छोड़ दी। तो कोई भी सिवाय चारों तरफ भाषण के और अपनी पीठ थपथपाने के और जुमलेबाजी करने के सिवा और क्या कर रहे हैं? शरद यादव साहब, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हम उस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं महंगाई बढ़ाने का, अभी हाल ही में आपकी यहाँ की सरकार ने पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया, खाने पीने की चीजों पे वैट बढ़ा दिया, फिर गिर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कहाँ से कहाँ आ गए? नहीं, महंगाई तो सर दोनों तरफ से बढ़ रही है ना। सुनिए ना, महंगाई जो है वो एक बड़ा सवाल है जी। यहाँ तो जो वादे हैं वो कोई किसी हवा में तो नहीं पूरे होंगे। जब एक बड़ा फैसला किया हमने शराबबंदी का, जोखिम उठाए तो थोड़े बहुत, और जैसे बैठ है किसके ऊपर है वो, आपके और दूसरी चीजों पर लगा, वो तो बहुत संपन्न लोग, पेट्रोल पे, खाने पीने की चीजों पे, खाने पीने कौन सी चीजों पे लगा है? वो जो जिनकी बड़ी बिक्री होती है, बड़ा टर्नओवर है, उनके ऊपर है। अच्छा, लेकिन पेट्रोल डीजल तो हर कोई इस्तेमाल करता है। जितना भारत सरकार ने ये जो पैकेज वाटर होता ना, उससे भी सस्ता बिकना चाहिए पेट्रोल। यहाँ तो जरूरत है इसलिए लोगों ने लगाया जी, वो तो वहाँ जरूरत नहीं, वो तो घाटे को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ का जो है वो तो जो वादे साथ किए गए हैं वो तो बगैर पैसे के नहीं होंगे ना, इसलिए लगाया। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे, और लोगों के बीच में जाके बताएंगे। जो बाकी यहाँ की जो महंगाई है वो आप लोग कुछ कम करने के लिए कुछ सरकार करेगी, जो बाकी महंगाई बढ़ चुकी है जिसमें सरकार कुछ कर सकती हो? देखिए, यहाँ सब्जी, यहाँ हर तरह खाने पीने की चीजें, आप कहीं रिमोट में चले जाइए, वो देश की वनस्पति, यहाँ मैं अभी रिमोट इलाके से आ रहा हूँ जी, बढ़िया से बढ़िया सब्जी बहुत आसानी से। तो यहाँ तो महंगाई घटाने का हमारे द्वारा नहीं, अपने आप प्रकृति ने ऐसा बनाया है सूबे को खाने पीने की चीज़ के मामले में, यहाँ अपने आप ठीक दुष्ट चीज़ें होती हैं। तो आपका कहना है कि वैसे ही यहाँ है महंगाई नहीं है ज़्यादा? जैसे बैठे एक दो चीज़ों का नाम लिया आपने, वो तो हमको अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए करना, भारत सरकार करे ना। भारत सरकार जो है वो कितना पेट्रोल पे इतने बड़े पैमाने पर दाम 1/4 घट गया, तब भी उसी में पैसा निकाल रही है। फिर क्या है बाजार में, क्या स्थिति, रुपए की क्या हालत है?
एक्सपोर्ट की क्या हालत है, उद्योग उत्पादन की क्या हालत है, रोजगार के लिए सर आप लोगों के जो एक वादा था, नहीं इनसे पूछो, नहीं आपकी मैं स्टेट मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, जो रोजगार के आपने अवसर की बात की थी मैनिफेस्टो, वो हमको दो महीने हम बताएंगे ना, हमारे हाथ से जो संभव होगा वो बता देंगे। नहीं लेकिन कुछ ये तो 18 महीने हो गया इनको, एक साल पहले कहाँ पूछा था मैंने। अच्छा तो आपसे एक साल बाद शायद इस बारे में बात करें, क्यों नहीं एक साल बाद पूछना आप हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद यादव साहब, धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें नहीं बोली और शायद लोगों को इंतजार रहेगा इस बात का कि कब शरद यादव साहब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपने पत्ते खोलें, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीद है इस सरकार से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो, और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।